आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट्सएप में फिंगर लॉक कैसे लगा सकते हैं। अगर आप भी अपने फ़ोन में व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस हमारे इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखने वाले अपने व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट कैसे लॉक लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के फ़ोन चलाते हैं उसमें व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप पे अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल करना चाहते हैं और फिंगरप्रिंट इनेबल नहीं हो रहा है तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इनेबल कैसे कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं, बहुत आसान भाषा बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट आपको यहाँ सभी फ़ोन में व्हाट्सएप यहाँ डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद अपने यहाँ व्हाट्सएप यहाँ ओपन कर लेना है। देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप यहाँ ओपन हो चुका है। होने के बाद जस्ट आप यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अपना यहाँ दूसरा भी व्हाट्सएप खोल के दिखा दे रहा है। मेरा यहाँ कोई फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगा है। जस्ट यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है फिंगरप्रिंट लगाने के लिए। आपके यहाँ थ्री डॉट देखने को मिल जाता है। जस्ट आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग का ऑप्शन। जस्ट हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्राइवेसी का एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ अकाउंट प्राइवेसी अवतार काफ़ी सारा सेटिंग मिल जाएगा। जस्ट हम यहाँ प्राइवेसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ सबसे लास्ट में चले जाना है। जाने के बाद आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा डिसेबल लॉक। जस्ट आपको देखने को फिंगरप्रिंट लॉक। जस्ट हम लोग यहाँ फिंगरप्रिंट लॉक पे यहाँ क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट लॉक करने के बाद यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ से नहीं आ रहा है तो अपने मोबाइल में यहाँ सबसे पहले अपने मोबाइल का फिंगरप्रिंट देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक दिया है कि नहीं। फिंगरप्रिंट यहाँ आपको लॉक लगाना ही पड़ेगा। जस्ट हम लोग यहाँ लॉक लगाने के लिए अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सभी फ़ोन के सेटिंग में यहाँ पर बेसिक सेटिंग देखने को मिल जाएगा। फिर बेसिक पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका फ़ोन का पासवर्ड होगा पासवर्ड लगा देंगे। उसके बाद यहाँ ऐड फिंगर पर क्लिक करके यहाँ जो भी आप फिंगर लगाना चाहते हैं फिंगर लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ बैक कर देना है। बैक करने के बाद जस्ट अपने व्हाट्सएप को यहाँ फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर से वहाँ आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ सेटिंग पर चले जाना है। जाने के बाद जस्ट आपको प्राइवेसी पर फिर से क्लिक करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ फिंगरप्रिंट यहाँ लॉक पर क्लिक करके जस्ट इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जस्ट आप यहाँ फिंगरप्रिंट आ जाएगा। उसके बाद अपना फिंगर यहाँ डाल देना है। डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ लॉक आ चुका है। उसके बाद आपको तीन सेटिंग देखने को मिल जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट, यहाँ आफ्टर 30 मिनट। मान लीजिए आप हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ इमीडिएटली आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं 1 मिनट के लगाने के तो 1 मिनट यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ 30 मिनट के लगाना चाहते हैं 30 मिनट क्लिक करेंगे। जस्ट आपको यहाँ हमेशा के लिए यहाँ पर इमीडिएटली पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। उसको जस्ट हम बैक कर लेंगे। बैक करने में जस्ट अपने यहाँ व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देते हैं कि इसमें फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है कि नहीं। जस्ट हम अपने व्हाट्सएप यहाँ ओपन करते हैं। ओपन करके देख सकते हैं यहाँ वेरीफाई दिस यू, मतलब यहाँ फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता होगा। जैसे ही अपना फिंगरप्रिंट डाल लेंगे तो उसके बाद अपना व्हाट्सएप यहाँ अनलॉक कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। ऐसे ही अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं ऐसे ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।